भिलाई वर्सेस बिरोदा सेमीफाइनल मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच। एक छोर पर शुभम निर्मलकर की टीम, दूसरे छोर पर रेहान। दो मुख्य खिलाड़ी समय भिलाई टास चॉइस, तमाम उनके जो चर्चित चेहरे हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो एक दूसरे के खिलाड़ी और खेल भावने से परिचित नहीं होगा। चेंज बोला इन दोनों टीमों में चॉइस कोर्ट और कौन चेंज, और आज मुकाबला पुरुष वर्ग का, साथ ही थर्ड और फोर्थ अंपायर एक टू रहेंगे। जितना मैच स्टार्ट सेंटर लाइन पर जितना दायित्व इन दो निर्णायकों का रहता है, उतना ही दायित्व आपका भी है। तो किसी के लिए कुछ ऐसा ना हो कि वहाँ हमने मैच खेला और कुछ इस तरह का गलत हमारे साथ हो गया। क्या टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है, ये देखिए। माँ कसम का वो याद आ गया, हमारे कमेंटेटर ग्रुप में दो तीन हमारे साथी भी हैं और उनका कहना यह है कि जब कभी भी इस तरह का चरण स्पर्श भूमि स्पर्श करके कसम खाया जाता है, मिथुन के पिक्चर याद आ जाते कथे। और रेहान इस मरतबा अपने पाले का पहला रेट के साथ और इस मुकाबले का दूसरा रेट के साथ में, महत्वपूर्ण मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। इस समय जोरदार ताली होनी चाहिए। हमने कल से यहाँ इस मैदान के चारों ओर घुमा देखा और जितने मैचेस भी कराए, लेकिन कहीं ना कहीं ताली की कमी नजर आई है। हमने हजारों मन साझा किए हैं, लेकिन दर्शकों की हो हल्ला ताली के गूंज लगातार कोर्ट के ऊपर कमी होती है और उसके लिए हम लगातार यही चाहेंगे कि आपके थोड़े के ऊपर हम कोरबा से चल करके आए हैं, स्कोर बोर्ड पर जो साथी है मरवाही से चल करके आए हैं, उनको लगना चाहिए कि यहाँ राजनंद गाँव डोंगरगढ़ के समीप महाराजपुर जहाँ गाँव है वहाँ के आयोजन में हमने ताली की गूंज देखी। बिरोदा नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय भिलाई पहला अंक सुनिश्चित कर लिया है। पहले अंक के साथ यहां डुआ अढ़ाई पर राइट रेडर के साथ, जहां 7 का हाउसफुल मैदान है, बड़ी तेजी के साथ दूर कॉर्नर तक गए, अंत में खाली खींचा अपने चाहते कॉर्नर पर और इस मरतबा खेल अभी बन गई है। बड़ी तेजी के साथ बैश किया, सफलता भी हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से। भिलाई दूसरे स्थान पर, दूसरे अंक पर जा रही है। रेहान इस समय लगातार उनके वो पैतरे काम आ रहे हैं, एक हरफन मौला खिलाड़ी है। वही शुभम के जादू की इंतजार है इस समय विरोधा के लिए, कब उनका जादू चलेगा और स्कोर बोर्ड के ऊपर वो पहला सुनहरा अक्षर अंकन होगा विरोधा के लिए। बहरहाल इस समय वो मौका अपने कलिंग को दे रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ियों को दे रहे हैं, अपने सहयोगी रेडर को दे रहे हैं। नंबर 8 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर लेग चलाया अपने लेग कॉर्नर के ऊपर, टीम की राइट कॉर्नर, 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान। अब यहां से वो अंक निकालने होंगे क्योंकि पहला अंक अभी सुनिश्चित करने होंगे। खाता नहीं खुला है तो बोनस कहां से मिलेगा, अब कहीं जाते हैं। टच का अंक सुनिश्चित कर लिया, बड़ी तेजी के साथ सेंटर लाइन कवर किया। दूसरी ओर नंबर 7 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर दूर कॉर्नर पर पहले डिफेंस को देखा कि किस तरह से डिफेंस सजा करके रखा है शुभम निर्मलकर ने, किस तरह से जाल बुना है रेडर के लिए, वो तका पहले। अब कहीं जाकर के फुटवर्क में तेजी लाई और लाने के साथ एक लंबा सा स्टैच खींचा अपने चाहते कॉर्नर के ऊपर, लेकिन सफलता अभी भी हाथ लगी नहीं है। सफलता दूर है, 2-1 के मुकाबले 1 अंक अभी भी पीछे पा रही है बिरोदा। अब इस मरतबा शुभम निकल रहे हैं, जिस तरीके से इनके शरीर और हेल्थ है उसके हिसाब से, जिस तरह से इनके फुटवर्क है, ये समझ से परे है शुभम का। लेकिन एक मरतबा रेहान वाकिफ है कि शुभम को कहाँ टेकल करके रोकना है और रेहान ने वही करके दिया महत्वपूर्ण रूप से, शुभम का शिकार सुनिश्चित किया, पहले अंक का रास्ता दिखाया। 3-1 के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से, जहाँ 5 खिलाड़ी बोनस ऑफ है रेडर के लिए, बोनस ऑफ फुट डीप खेलती है, इस समय डिफेंस डीप खेल रही है और डिफेंस जहाँ डीप खेल रही है डुआ डाई का रेड है, अंक के साथ आप घर सुनिश्चित कर नहीं सकते, उसके लिए अंक सुनिश्चित करने होंगे और अंक सुनिश्चित करने के लिए डीप जाना पड़ता है। डीप गया मतलब डूबने का खतरा, रेडर को पहले अंक का रास्ता दिखाया उस देश के जरिए। 3-2 के मुकाबले 1 अंक अभी भी पीछे है बिरोदा। ये देखिए रेहान का शिकार सुनिश्चित कर लिया बड़ी खूबसूरती के
होगा। अब कहीं जाकर जो सात खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है, सात खिलाड़ियों का मजबाई बार फिर से कोर्ट के ऊपर देखना यह होगा, जहां तीन और तीन के मुकाबले इक्वल का मुकाबला है। सेमीफाइनल का पहला पंगा विरोधा विरोध भिलाई नंबर सात की जर्सी के साथ एक तरफा सप्लिंग लेकिन कॉर्नर कैचर खपत वजह से भागने के साथ रेडर चलना चाहिए। 30 सेकंड का जो दायरा है उसके दायरे में कहीं उसके फवर में कहीं ना फंस जाओ और समय रहते अपने घर सुरक्षित खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर तिनेक के मुकाबले ये का नुकसान हो चलेगा। वो आसमानी तीन उंगलियां क्या सुनिश्चित हो रही है, यहाँ से वो आसमान की ओर तीन उंगलियां दो मुख्य निर्णायक सेंटर लाइन पर। और अलंगी कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहूंगा, एक मैच रेफरी भी होनी चाहिए। बड़े जैसे मैच होते हैं क्वार्टर सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले में, तो वो थोड़ी सी कमी महसूस हम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से अपील होती रही है कहीं किसी टीम के लिए चूक ना हो जाए, जिसके लिए मैच रेफरी होने चाहिए। तो तीन और छह के मुकाबले इस समय तीन अंकों की लीड पर जा रही है विरोधा, ये वापसी किया है महत्वपूर्ण रूप से विरोधा की टीम ने। दूसरी ओर समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर सात के दर्शन के साथ ये देखिए ओवर के ऊपर फिंगर चलाया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। सुपर टेकल का मौका है, क्या शुभम निल मारता का सुपर टेकल कर जाएगा टीम। इस समय दो का डिफेंस जरूर है लेकिन यहाँ पे वो एक ही अंक सुनिश्चित होना पड़ा शुभम को। सात और तीन के मुकाबले चार अंकों की लीड पर है इस समय शुभम की टीम। और एक समय क्या डुआ डाई का रेड है और डुआ डाई का रेड इस समय आगे कुआ पीछे खाई है। देखिए हवर में फंस गए रेडर भाई, ऑल आउट का शिकार और ऑल आउट का वो जो बोनस का दो अंक सुनिश्चित हो रहा है। इस तीन अंक के साथ में 10 पर पहुंचा विरोधा और ठहर कर रह गया है इस समय भिलाई का स्कोर 3 पर। तो 7 अंकों के लीड है इस समय विरोधा के पास। जिस तरह से इस बड़े मुकाबले में और कड़े मुकाबले में हम देख पा रहे हैं मुकाबला थोड़ी सी बैट फुट पर शुरुआत में जरूर है, पहले हाफ का ही खेल है। रेहान के लिए इस समय बैट फुट पर नजर आ रही है लेकिन पहले हाफ का ही खेल है। पहले हाफ के महत्वपूर्ण तीन को जो है खो जाना ये थोड़ी सी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया भिलाई के लिए। बहरहाल विरोधा के लिए ये मुकाबला शुरुआत का क्षण जरूर है लेकिन पहले हाफ का है, दूसरे हाफ के खेल में परिणाम निकल के आते हैं। ये देखिए एंकल छूट गई है और एंकल छूटने के साथ एक अंक की भरपाई कर रही है, 3 से 4 पर पहुंचा इस समय अब भिलाई की अंक स्कोर हम देख पा रहे हैं 4 और 10 के मुकाबले जहाँ 6 अंकों की लीड है, लीड के ऊपर बैठा है शुभम निर्मलकर की टीम विरोधा की टीम। दूसरी ओर भिलाई को चाहिए उस 6 अंकों को जितनी जल्दी उसकी भरपाई कर सके और जितनी जल्दी भरपाई करेंगे उस मुसीबत से उभरेगा वो भिलाई की टीम। रेहान लेफ्ट रेडर राइट का टीम कॉर्नर जहां 6 खिलाड़ी हैं 2-2 की चेन बंदी के साथ और रेहान इस समय जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या डुआ डाई का इंतजार भी होगा, एक छोर से रेहान इस पर बड़ा छोर बदला और छोर बदलने के साथ रेहान का क्या इरादा क्या है, छोर बदलने के साथ क्या है कि शुभम इस छोर से रेड पर आते हैं और उन्होंने जमा हुआ डेरा डाला अपना लेकिन उनका जादू चला नहीं उस कॉर्नर के ऊपर। अंत में सफलता हाथ लगी शुभम को और इस सफलते के साथ टीम पहुंचा इस समय विरोधा का 11 अंक पर। ये देखिए इतने एडवांस की कतई आवश्यकता थी नहीं, आगे चल रही है आपकी टीम, इस तरह के एडवांस टेकल से भी बचना होगा एक छोर पर विरोधा को। वही भिलाई को चाहिए कि उनके जो मुख्य रेडर है उनको कुछ देर विश्राम के लिए छोड़ जाए, जैसे विरोधा से नंबर 8 के जर्सी के रेडर लेफ्ट रेडर जो अभी रेड के ऊपर है साथ ही शुभम निर्मलकर को कुछ देर ही सही एक मरतबा उनको पहले रास्ता दिखाया जाता है तो मौके बनेंगे वापसी के। ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं होगी, वापसी होगी लेकिन उसके लिए क्या एक अच्छी रणनीति के साथ रेहान की टीम उस समीकरण को तोड़ पाएगा जहां इस समय शुभम की टीम उस समीकरण बना करके चल रही है। शुभम विरोधा और उनकी टीम इस समय 6 का डिफरेंस है, एक खिलाड़ी पवेलियन पर है और उस एक खिलाड़ी पवेलियन पर होने के साथ साथ इस समय ये देखिए काउंट एक कर दिया यहां से विरोधा लगातार दूसरी गलती दूसरा अंक भरपाई कर रहा है।
रेहान की जहां टेल और रेहान को जगह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, रेहान कौन सी जगह पर उनको खेलना है, कभी लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं, कभी राइट कॉर्नर पर खेलते हैं, कभी कॉर्नर इन पर खेलते हैं, वो जगह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है कि कौन सा जगह उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल इस समय जहाँ सात का हाउसफुल मैदान है, ये देखिए क्या लैग जरूर चलाया, लेकिन यहाँ से वो रेहान की टीम भी छोड़ रही है, रेहान किस तरह से अपने टीम को ऊपर लेकर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। इस समय डिफेंस कम है कोर्ट के ऊपर, बोनस का अंक बनेगा नहीं, दोनों टीम कैप्टन हम सुनिश्चित होंगे हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं और 12 के मुकाबले दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो रही है। वो जादू चला तो जरूर है शुभम का, लेकिन दूसरी ओर क्या यहाँ से खिलाई उत्साही मंडल का भी जादू चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जादू चलाना होगा, चलेगी नहीं चलेगी अलग बात है, लेकिन चलाने का प्रयास करना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी खिलाई मंडल उत्साही मंडल के लिए। अंत में खाली खींचा तो दूसरे हाफ का पहला रेट खाली खींचा भिलाई उत्साही मंडल ने, दूसरी ओर विरोधा से नंबर 8 की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर जहां रेहान को कॉर्नर, रेहान का जादू चला नहीं है इस मर्तबा डिफेंस में, रेहान के ऊपर ही अटैक किया, एक लंबा सा स्ट्रैच खींचा, कॉर्नर कैचर है रेहान लेफ्ट कॉर्नर पर, टीम की राइट कॉर्नर रेडर लेफ्ट कॉर्नर से, और अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय जिस तरह से और जितनी जल्दी अंकों की आवश्यकता है, 6 और 12 के मुकाबले 1 दर्जन अंक पर इस समय विरोधा और आधे दर्जन अंक पर भिलाई की टीम है, उसको किस तरह से लेवल अंक तक लेकर के आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, हर एक कदम करके रखने होंगे, कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे ही सही जीत की दहलीज की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा समय बाकी है दूसरे हाफ का, दो अढ़ाई आगे कुआं पीछे खाई। और यहाँ से ये देखो बात यह है, गरीबी का वो मार सह रहा है इस समय अंकों के मामले में भिलाई, ऊपर से जीएसटी का हुटर मुकेश कश्यप जी का, और क्या टेकल में सफलता हाथ लगी है महत्वपूर्ण रूप से, इस सफलता के साथ विरोधा पहुंचा 13 पर और भिलाई में 6 रन। हेलो जो भी सीजीजी रोहित 28-83 जो भी गाड़ी ले गया हो तो लाकर सुनिश्चित स्थान पर रख दे जहां था वही, सीजीजी रोहित 28-83 गाड़ी नंबर आसमानी दो उंगलियों के साथ अपने घर सुनिश्चित किया, जहां 15 और 6 के मुकाबले जो ठहरा हुआ स्कोर है उसको चलायमान रखना होगा भिलाई को, कब कहीं जाकर के बात बनेगी। भिलाई उत्साही मंडल इस समय अपने उत्साह में आ नहीं रहा है, अपने उत्साह में नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी सी मायूसी झलक रही है उनके चेहरे के ऊपर, उत्साह की जरूरत है उनको, कब कहीं जाकर के बात बनेगी। 4 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट के ऊपर, साथ ही साथ उस 4 खिलाड़ियों में बोनस ऑफ रेडर के लिए, लेकिन अब यहाँ से खेल की शैली बदल के रख देगी विरोधा, क्योंकि जोखिम लेने की आवश्यकता विरोधा को है नहीं, यहाँ से केवल वो वॉक लाइन पार करेगा, वॉक लाइन पार करने के साथ केवल 30 सेकंड के ऊपर निगाहें होगी विरोधा के प्लेयर का, और वही किया इस समय टाइम आउट बुला लिया, पलक झमकते पल में तोला पल में मासा, और ये कारनामे हम देखे हैं खिलाड़ियों का, लेकिन वो खेल का मैदान है, समय बलवान है, लेकिन इस समय पक्ष समय विरोधा अपने आप को ऊपर पा रहा है इस अंक के मामले में, बोनस का अंक सुनिश्चित हो रहा है, इस बोनस के सहारे एक अंक ऊपर जरूर चढ़ा है, एक कदम ऊपर जरूर पहुंचा है, एक कदम आगे बढ़ाया जरूर है, इस समय महत्वपूर्ण रूप से वो किया जरूर है, और उसके लिए यहां से ये देखने वाली बात होगी क्या विरोधा एक छोर से वो कितने अंकों की लीड
लेकर के चलेगा। सात और पंद्रह ही है, एक कदम ही ऊपर बोनस बोनस के साथ जो मिला रहा वही अंक है। अब ये गलती जिस तरह से अंक बटोर करके रखा जरूर है इस समय विरोधा, लेकिन उस अंकों को सहजने की भी बात होगी, उस अंकों को रखवाली करने की भी बात होगी। बड़ी तेजी के साथ आठ और सोलह अभी भी अपन है और सोलह आठ के मुकाबले कि कौन सी टीम भिलाई विरोध विरोधा के दरमियान सेमीफाइनल का पहला पंगा है, इस पंगे में सामने वाली टीम को परास्त करके ऊपर बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी किस करवट बैठेगा और जब थक कर बैठेगा और, लेकिन रेहान किस तरह से इस मुकाबले को मोड़ कर रखेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी कुछ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से समय बाकी है और समय के साथ कहीं रेहान का जादू चल जाता है तो मौके बनेंगे। एक मरतबा लैग चलाया अपने चाहते कॉर्नर के ऊपर, अंत में बोनस के साथ क्या उपस्थिति सुनिश्चित की है जी नहीं, नकारा ऑफिसियलों ने, इशारा किया पैरों की जो तालमेल है पहले टोर दूसरे टोर की तालमेल है इसमें समानता आई नहीं है, उसका मतलब यह है कि बोनस लाइन क्रॉस करे साफ दूसरे तरीके से पहला टो तो दूसरा टो हवा में हो तब कहीं जाकर के बात बनती है, स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। आठ और सत्रह के मुकाबले इस समय लगातार टाइम उस समय जाया करके चल रहा है, कबड्डी दल विरोधा खिलाड़ी वेशभूषा में सुसज्जित होकर के प्रवेश द्वार पर ही रहे। टाइम आउट का समय संपन्न हुआ, वॉक लाइन को पूरा किया, वॉक लाइन को पूरा करने के साथ रेड को सर्टिफाई किया पुष्टा किया, पर खेलना पसंद कर रही है इस समय रेहान की टीम, क्यों ना हो सुपर टेकल या निकल जाती है निकल थे दो अंक निकल करके आएंगे और उसी का इंतजार है इस समय रेहान को, रेहान को उस इंतजार का फल क्या मीठा होगा, फिर सही तरीके से अंकल आई नहीं हाथ पर, शुभम का फुटबॉल के इतने चंचल और इतने तेजी से फुटबॉल का है तो ये कहना थोड़ी सी मुश्किल है कि इतनी आसानी से उनका अंकल ध्यान दे समय शेष बचे हैं। अंतिम तीन मिनट का भी इशारा जहां आठ और अठारह के मुकाबले दहाई का फासला है इस समय, उस दहाई के फासले में बैठा है विरोधा की टीम, लैग चलाया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, नंबर तीन की जर्सी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की बजाय कमजोर कड़ी ढूंढेगी, कौन सी कमजोर कड़ी है इस समय विरोधा का, कमजोर कड़ी के ऊपर कहीं जाकर के प्रहार करे और कमजोर कड़ी टूटती है मजबूत कड़ी थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लेता है। ऑल आउट पर जा रही है टीम, ऑल आउट का तीन अंक और सहेजा अपने पाले में के लिए, तो मुकाबला थोड़ी सी एक तरफा झुकने लगी है, वो जीत की भीनी सी खुशबू वो महसूस भी कर रहा होगा इस समय विरोधा जिस हिसाब से समय चल रहा है, लेकिन एंकल छूटी और एंकल छूटने के साथ एक अंक की भरपाई जरूर किया, वो जीत की सहनाई भी सुनाई दे रही होगी भीनी खुशबू के साथ में विरोधा के लिए, नहीं तो वॉक लाइन पूरा कर रहा है। अब यहाँ से खेल की दोनों बदल करके रख दिया विरोधा की टीम ने, ये देखिए उनके पास वो समय है, उनके पास वो बढ़त है और जिनके पास वो बढ़त है वो जोखिम केवल हर रेट के ऊपर ही लेना पसंद करते हैं, मतलब ये है विवश होना पड़ता है, दो रेट खाली चली जाए तो तीसरा रेट में अंक बनाना वो सुनिश्चित हो जाता है, अन्यथा वो पॉलियन का रास्ता दिखाया जाता है, तो ये फलस्वरूप यहाँ से खेल की शैली बदलती नजर आ रही है विरोधा का। दूसरी ओर भिलाई लगातार प्रयास तो कर रहा है लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, क्या डुआ डाई का इंतजार हो रहा है जी नहीं, डुआ डाई का रेड है नहीं,
मैच समाप्ति के लिए अंतिम एक मिनट का साथ हो रहा है। वापसी के हर दरवाजे बंद किए जा रहे हैं करके इस पल का इंतजार रहा रेहान का कि हो सकता है कि ये रेड डुआ डाई का रेड होगा, लेकिन उसको भी नकारा ऑफिशियलों ने कि डुआ डाई का रेड है नहीं। अब संभवतः इस मर्तबा हो सकता है कि डुआ डाई का रेड हो और सायरन एक महत्वपूर्ण रूप से अंतिम समय अभी भी एक इस रेड के साथ एक आक रेड की संभावना बनी होगी, लेकिन वापसी के हर एक दरवाजे बंद हो गए। एक दर्जन अंक बढ़त का लेकर के बैठा है शुभम निर्मलकर की टीम विरोधा, एक अंक और सुनिश्चित किया, एक रेड अभी भी आएंगे। तो नंबर तीन के जर्सी के साथ इस समय महत्वपूर्ण एक अंक का और भरपाई करेगा जाते जाते 11 और 23 के मुकाबले मुकाबला सेमीफाइनल का मेगा मुकाबला यहां से